खन्ना अपने हस्बैंड अक्षय कुमार के साथ मोस्ट एडोरेबल मोस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप शेयर करती हैं। दोनों को पब्लिकली भी रोमांटिक होते देखा जाता है, तो वहीं रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और ये बात सभी जानते हैं कि दोनों शादीशुदा रिश्ते को पिछले 20 साल से खूबसूरती से निभा रहे हैं, जिनके दो बच्चे हैं, आरव कुमार और नितारा कुमार। बेटे और बेटी के साथ ये दोनों अपनी फैमिली लाइफ को हर संडे एंजॉय करते हैं। ये भी सभी जानते हैं कि खिलाड़ी कुमार आज भी अपने रूटीन के लिए तारीफ लूटते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो रूटीन को मेंटेन करते हैं। और उनका रूटीन ये है कि फुल डे वर्क तो करेंगे वो, लेकिन संडे को अपनी फैमिली के साथ ही वक्त गुजारेंगे। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कॉन्ट्रोवर्शीज की, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आज के शो में। हम करेंगे बात आज ट्विंकल और अक्षय से जुड़ी उस कॉन्ट्रोवर्शी की जो कि सालों पुरानी है, जो कि एक रैंप वॉक के दौरान अक्षय की भूल बनी और ट्विंकल खन्ना को इसकी सजा भुगतनी पड़ी। जी हाँ, क्या है पूरा सच, आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम ट्विंकल खन्ना की। ट्विंकल खन्ना जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ अपनी मोहब्बत को हमेशा से बरकरार रखा, ट्विंकल खन्ना जिन्होंने हस्बैंड के साथ अक्षय कुमार के साथ तमाम तरीके की बातें की और कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी खुद को बनाया था। जी हाँ, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना से जुड़े कॉन्ट्रोवर्सीज तो तमाम आपने सुने होंगे, लेकिन रुस्तम कॉस्ट्यूम कॉन्ट्रोवर्सी से पहले बात किया जाए ट्विंकल अक्षय के रिश्ते की, तो फनी बोन्स कही जाने वाली ट्विंकल की एक भूल काफी ज्यादा नुकसानदायक बनी थी उनके लिए। गौर हो ट्विंकल खन्ना और बात कर रहे हैं हम अक्षय कुमार के बारे में, जिन्होंने हमेशा से इस बात को खुलकर बयां किया है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जब ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार के डेनिम के साथ खुलेआम रैंप शो के बीच कुछ ऐसा किया जिसकी किसी की उम्मीद नहीं, लैक्मे फैशन वीक के दौरान जब ट्विंकल खन्ना अपनी पत्नी से अक्षय कुमार ने कहा था कि वो उनके डेनिम के बटन को अनबटन कर, तब ट्विंकल खन्ना ने उनकी बात मानी, जिसके बाद उन्हें नुकसान ही भुगतना पड़ा था। ट्विंकल विवादों से घिर गई थी। जी हाँ, तरुण तहलानी की ड्रेस के लिए अक्षय कुमार ने वॉक किया था और कैजनोवा इमेज से अक्षय कुमार की धीरे धीरे नीचे गिर गई। बाद में उसे लेकर उन्होंने कहा था, इट्स ग्रेट टू बी अनबटन बाय योर ओन वाइफ। ये कहना भी उनके लिए काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर उन्हें विवादों में लाने वाला था, जिससे लोग तो सोच में पड़ ही गए थे, तो वहीं नोटिस की वजह से उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था।